प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी यात्राओं के दौरान जो उपहार मिलते हैं उसकी पिछले 5 सालों से लगातार नीलामी हो रही है, लेकिन इस बार उपहारों की होने वाली नीलामी ने बवाल खड़ा कर दिया है। असल में प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी में श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर के मॉडल को शामिल करने को लेकर पंजाब में सियासत गर्मा गई है। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। आपको बताएं कि ये मॉडल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC के द्वारा प्रधानमंत्री को भेंट किया गया था। इसी श्री हरमंदिर साहिब के मॉडल को ई नीलामी में रखा गया है, जिसे लेकर बुधवार को श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कड़ा एतराज जताया है। सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट करके कहा है कि मुझे ये जानकर गहरा दुख हुआ है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किए गए सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के पावन मॉडल की सरकार नीलामी करने जा रही है। कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल ने इस मॉडल की नीलामी को जल्द से जल्द रोकने की मांग की है। तो पिछले दिन ये खबर आई सी कि जेडे उन्होंने कोई तोहफे भेट हो शायद उन्होंने सेल कर जा रहे हैं, पर असं उन्होंने बेनती करते हैं ये क्योंकि बेचे नहीं जाते होंगे, केवल यह गुरु घर जरा सत्कार मिलता इन सामभ के रखा जाता। केंद्र सरकार द्वारा PM मोदी को मिले अलग अलग तोहफों और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी शुरू कर दी गई है, जिसके तहत श्री हरमंदिर साहिब के मॉडल के लिए 31 अक्टूबर तक शाम 5 बजे तक बोलियां आमंत्रित की गई थी। इसके लिए बेस मूल्य 13,500 रुपये निर्धारित किया गया था और 2 अक्टूबर को सुबह 10 बजे शुरू हुई इस मॉडल की नीलामी के लिए अब तक 1,51,200 रुपये पहुँच चुकी है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।